Hello everyone, good evening. How you all are doing? I hope you all are doing great. So good evening each one of you. And first of all, I'm sorry ke session ko hame reschedule karna pada two times. I hope you understand that you can adjust because I wasn't well. So that is the reason we have to reschedule it two times. But today I'm better and that is the reason I've come up with this session. और आज के सेशन में चलो शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गई आप लोगों को. सो आई एम दिव्या योर साइंस एजुकेटर एंड आई एम हियर टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू साइंस एंड जस्ट मेक यू परफेक्ट इन साइंस. एंड व्हाट आई रिक्वायर इज आई नीड योर फोकस, योर डिटर्मिनेशन, योर सिंसियरिटी एंड आई होप यू ऑल आर रेडी टू प्रोवाइड मी विद दैट. Right, so today our topic is very, very interesting. But before I tell you about it, let's see that who all are connected to this. So we have Shreya, we have Alan. Okay, so I want you to, each one of you, to mark your present. And how to mark your present? By saying hi, hello, or writing your names in the comment section. So please keep on writing so that I should know who all are connected today. Okay, Rishabh. Good evening. Good evening, Neelam. Welcome you to the session. So Neelam is again today up for the knowledge, right? Great to see you again, Neelam. Great to see you. Hello, Amar. How are you doing? So who else? जब भी सेशन में, किसी भी सेशन में जाते हो ना, किसी भी टीचर की सेशन में जाते हो तो हाय हेलो जरूर लिखा करो. तभी तो पता लगेगा कि डेली कौन कौन से बच्चे हैं जो आते हैं, हमसे मिलते हैं और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए. तो कौन कौन से बच्चे हैं? ओके, सो कीप ऑन राइटिंग इन द मीन वाइल आई एम स्टार्टिंग और आप लोग लिखते रहो. ओके, और सेशन को उसी तरीके से इंट्रैक्टिव एनर्जेटिक बनाना है. जोश को डाउन नहीं करना. कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम है, कीप ऑन राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. भर दो पूरा कमेंट सेक्शन लिख कर. ठीक है. आई एम गुड अमर, आई एम गुड. हाय एके, हेलो, वेलकम टू द सेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. वन सेकेंड. So, hello, I, हमारा हो चुका है. See, I've come up with so cute girl. And this girl, you know, I always use such clip arts because I really feel that you kiddos are like this. ठीक है, तो I heartily welcome you all to the session. और आज के session में हम topic क्या करने वाले हैं बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी. Wait करो. One second, what has happened? Let me check. Okay. तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर है. जो आज हमारा सेशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर है, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, रियली एके, आई मीन दैट. यू ऑल किड्स आर वेरी वेरी क्यूट. ओके, सो टुडे आवर सेशन इज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम व्हिच इज दिस थिंग चैप्टर 4. तो आज इस में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमारे पास टॉपिक्स है. हाय एस खान, वेलकम टू द सेशन. हाय. ओके, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टॉपिक कौन से है पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि आज हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज के सेशन में बस. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि ऑल व्हाट ऑल टॉपिक वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर. इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है. इस चैप्टर में हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है. उसके बाद हमें, वन सेकेंड, आज क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज दिस मेस्ड अप. पॉइंटर कहाँ चला गया? ओके, तो आज के सेशन में एक हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस चैप्टर की बात कर लेते हैं. पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसका ड्रॉबैक हमें पढ़ना है. बेसिकली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर बच्चे, जैसे कि हमें पता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है,
तो किस तरीके से एटम के बारे में हमें पता लगा था, कौन से साइंटिस्ट थे, क्या थ्योरी दी थी, वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उस थ्योरी के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें डिस्कवरी करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर छोटे पार्टिकल्स जो एटम से भी छोटे हैं, वो किस तरीके से डिस्कवर हुए थे। देन वी हैव थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ये स्ट्रक्चर से लिंक्ड है, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और फिर एटम की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारे पास है एटॉमिक नंबर, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है एटॉमिक नंबर, देन वी हैव दिस थिंग मास नंबर, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब एटम की प्रॉपर्टीज है, ये भी हम सबको पढ़ना है अच्छे से। तो आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे, तो वी बी डूइंग टिल द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि किस तरीके से पता लगा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा एटम के बारे में जान लेते हैं, कि जो भी चीजें हमारे आसपास है बच्चे, जो भी चीजें हमारे आसपास है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। बेसिकली कोई भी चीज जिसको हम रखते हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, मतलब रखिए जैसे मार्कर है, ठीक है, इसको अगर मैं रखूंगी तो ये जगह भी घेरेगा और इसका कुछ मास भी है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत लंबी सारी लिस्ट बना लोगे कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबका मास है, और आप उनको रखते हो तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, राइट। सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एग्जाम्पल, इफ आई सी अराउंड माई सेल्फ, तो या आप भी देखोगे चेयर, टेबल, पेन, बुक एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मैटर। दिस सितार, पेन, बॉटल्स, बुक्स, व्हाटएवर यू कीप, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे हैव सम मास, वेदर दे आर, दे मे बी लाइटर और हेवियर, बट स्टिल दे हैव मास। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। यस नीलम, यू आर राइट, क्योंकि देखो डिस्कवरीज तो कहीं लोग करते हैं लेकिन रेलेवेंट जिसका काम होता है उसी को बुक्स में डिस्कस किया जाता है, तो इसीलिए डाल्टन वाज द वन हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी बेस्ड ऑन एटम, ठीक है, ओके। नाउ अब हमारे पास जो मैटर है, मैटर किससे बना है, मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है, और उन पार्टिकल्स को क्या बुलाते हैं, एटम, या हम उसको परमाणु भी कह सकते हैं। एटम को पहले क्या बुलाते हैं, एटम को पहले बुलाते हैं परमाणु, एंड लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड एज एटम, ठीक है। तो मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, एटम, और वी कॉल इट एज परमाणु, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सो ही वॉज द वन, ही वॉज द वॉलंटियर, दैट इज जॉन डाल्टन, जिन्होंने एक पूरा थ्योरी दिया एटम के बारे में हमें, एटम से आप कह सकते हो कि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से कराया और हमें बताया और समझाने की कोशिश की कि एटम एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ही वॉज द वन, जॉन डाल्टन, एंड ही फॉर्मुलेटेड डाल्टन एटमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितना भी मैटर है, जो भी चीजें आपके आसपास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और मास है, तो वो सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, और वो छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं, दे आर कॉल्ड एज एटम्स, वो स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बुलाया गया, एटम। और ये भी बताया गया कि एटम जो है वो इनविजिबल है, मतलब एटम हमें दिखता नहीं है, और एटम इनडिविजिबल भी है, एटम डिवाइड भी नहीं होता, एटम इज इनविजिबल, ऑल्सो इट इज इनडिविजिबल, ना एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो इतना छोटा है उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता और फाइनर पार्टिकल्स में, और वो हमें नेकेड आई से, खुली आंख से दिखता भी नहीं है, दिस इज एज पर डाल्टन। और डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि ना तो हम एटम इतना छोटा है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, सो वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय इट, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और एक चीज कही गई कि जो एटम्स है, एटम्स एटम्स मिलकर, सेम तरह के एटम्स जो है वो मिल जाते हैं बहुत सारे, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एलिमेंट, वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली एटम्स ऑफ सेम काइंड, एटम्स ऑफ सेम काइंड, दे यूनाइट, दे इकट्ठे हो जाते हैं
एंड व्हाट द फॉर्म दे गिव राइज टू एलिमेंट. सो एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को देखे तो वो किससे बना हुआ है, इट इज फॉर्मड ऑफ एटम्स, और जो एटम्स है वो आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर. डॉल्टन ने ये कहा कि कोई भी फर्क नहीं है. मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सोडियम एलिमेंट ले लूं तो इसका मतलब क्लियर होगा सोडियम एलिमेंट लेने से एज पर डॉल्टन कि वो सोडियम एटम से बना है, बहुत सारे एटम्स से, सोडियम एटम से, और ये सारे एटम्स आपस में बिल्कुल ही सिमिलर है, उनकी शेप साइज सब कुछ सिमिलर है. अब अगर मैं आपके पास एक और एलिमेंट ले लूं, लेट्स से क्लोरीन, तो ये भी क्लियर है कि क्लोरीन क्लोरीन एटम से बना होगा और क्लोरीन एटम्स आपस में सिमिलर होंगे. बट अगर हम सोडियम एलिमेंट को क्लोरीन एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो इसके एटम्स से अलग होंगे, राइट. ये एटम्स आपस में सेम है, वो एटम्स आपस में सेम है, बट अगर हम इन दोनों के एटम्स को देखें तो दे वुड बी डिसिमिलर. वो क्या होंगे, वो सिमिलर नहीं होंगे, दे विल बी डिसिमिलर, राइट. और ये भी कहा गया कि एटम्स, ये हम कर लिया है हमने कि बिल्कुल सेम है. और अगली चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम्स एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं. एटम्स एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट. ऐसे ही एलिमेंट एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड. वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. मैं लिख देती हूं यहां, जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट, ठीक है. और जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड, ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कंपाउंड बनता है तो इसका मतलब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं. तो अगर मैं इसके इसमें एलिमेंट एटम से बने हैं तो हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं. और जब एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं हमेशा. दे कम ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो. और वो रेशियो वॉल्यूम का भी फिक्स्ड होता है और वो रेशियो मास का भी फिक्स्ड होता है. ओके, रेशियो मास का भी फिक्स्ड होता है और रेशियो मास का भी फिक्स्ड होता है और रेशियो उनका वॉल्यूम का भी फिक्स्ड होता है. एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. नाउ लेट्स से वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबको फॉर्मूला पता है, इट इज CO2, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है कार्बन से और ऑक्सीजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन से. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कार्बन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. और ये जो आपस में कंबाइन होते हैं एटम्स, इनका वॉल्यूम का रेशियो देखो क्या है, कार्बन 1:1 में है और ऑक्सीजन 2:1 में है. तो मतलब वॉल्यूम का रेशियो है 1:2. और मास का रेशियो भी देखो फिक्स है, कार्बन 1 है तो 1 कार्बन का मास होता है हमारे पास 12, ऑक्सीजन 16, 2 है तो 32, काटोगे तो 3:8 आ जाएगा. तो मास का रेशियो भी फिक्स है, दैट इज 3:8. अब आप बताओ अगर मैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ना लेकर अगर 1:3 ले लूंगी या 2:1 ले लूंगी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा. क्योंकि किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट के जुड़ने से बनता है और वो जो एटम्स है एलिमेंट के वो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में. और वो जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है, सिंपल होती है और होल नंबर होती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होती. सो दिस वॉज द लास्ट पोस्टुलेट, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं बनाते हैं कंपाउंड. और जब वो कंबाइन करते हैं वो एक फिक्स रेशियो में करते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो रेशियो 1:2 ही होना चाहिए और वो कॉम्बिनेशन का रेशियो हमेशा होल नंबर होता है, राइट. सो दिस वॉज ऑल प्रपोज बाय डॉल्टन इन इट्स डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो आई थिंक इट्स क्लियर टिल हियर. क्लियर है आप लोगों को यहां तक, कोई डाउट है तो बताओ, इज इट क्लियर. सो बेसिकली आई होप सबको समझ आ गया होगा. तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें ये कहना चाह रही है कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको आप बोलते हो एटम. एटम ना दिखता है, इनविजिबल है, ना डिवाइड होता है कि वो छोटा है सबसे, इनडिविजिबल, डिवाइड भी नहीं कर सकते. एटम्स ऑफ सेम काइंड दे फॉर्म एलिमेंट. देन वी हैव
two or more atoms of two or more elements combine in fixed ratio, fixed simple whole number ratio to form compound. An atom is the smallest particle which take part in chemical reaction. Got it? So this was all given by Dalton. Yahan tak clear hai sabko? Any doubt, please write it to me. Koi doubt hai yahan tak to mujhe batao. Is it clear? Is it clear till here? Okay. अब हम करते हैं कि डॉल्टन्स की कौन कौन सी चीज थी, कौन कौन सी बातें थी जो सही नहीं थी. तो कुछ शॉर्टकमिंग्स थी डॉल्टन की, कुछ जो उन्होंने अपने अपना फॉर्मुलेट किया थ्योरी में, कुछ जो पॉइंटर्स दिए उनमें कुछ चीजें सही नहीं थी जब उनको क्रॉस चेक किया गया. तो बेसिकली वो क्या चीज थी, पहली चीज अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटम इनडिविजिबल है, ठीक है, बट लेटर ऑन देखा गया कि एटम डिवाइड होता है, एक नहीं दो नहीं एटम से छोटे 35 पार्टिकल्स होते हैं. तो आपने सुना होगा न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, बट उनमें से तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं. तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो लेटर ऑन देखा गया कि एटम डिवाइड हो सकता है और वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हाय मन्नत, व्हाई यू लेट बच्चे. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन्हीं की डिस्कवरी आज मैं आपको समझाने वाली हूं. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. अब ड्रॉबैक एक तो ये था, दूसरा ड्रॉबैक था जैसे डॉल्टन ने कहा कि सेम तरह के जो एटम्स होते हैं, सेम तरह के एटम्स होते हैं वो मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट के एटम्स आपस में बिल्कुल सेम है, बट ऐसा नहीं है. मतलब हमें कुछ एलिमेंट के एलिमेंट कोई भी मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स में आपस में कुछ डिसिमिलैरिटी है, मतलब चाहे वो थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में डिसिमिलैरिटी है, बट डिसिमिलैरिटी होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये कैसे पता लगा, जब नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनको आप बोलते हो आइसोटोप्स और आइसोबार्स. आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका आइसोटोप की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, और आइसोबार्स उल्टा होते हैं, उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. लेट्स से कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी, और उनका मास नंबर आपस में सिमिलर होता है. तो इसका मतलब दो सेम तरह के एटम्स एक्स एक्स, उनमें डिसिमिलैरिटी है ना मास की, ऐसे दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स उनके अंदर सिमिलैरिटी है आपस में. नहीं तो कहा था कि दो एलिमेंट्स जो अलग अलग होंगे उनके एटम्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स गिव ब्लो टू दिस पॉइंट, बिकॉज एक एलिमेंट के एटम्स में आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, और दो अलग अलग एलिमेंट्स में आपस में कुछ सिमिलैरिटी उनके एटम्स में पाई जा सकती है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. बच्चे इफ एनी डाउट प्लीज राइट इट टू मी. कोई डाउट है तो जल्दी से लाइव सेशन में, सॉरी लाइव कमेंट्स में लिख दो, लाइव कमेंट्स में लिख दो अगर कोई डाउट है तो. तो बेसिकली इससे डॉल्टन की जो थ्योरी थी वो उसके कुछ पोस्टुलेट डिस्कार्ड हो गए. और अब हम करेंगे कि जो डॉल्टन ने बताया कि एटम डिवाइड होता है, और लेटर ऑन पता लगा कि नहीं होता, और पता लगा कि डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, उसकी डिस्कवरी हम पढ़ेंगे. बट बिफोर वी मूव अहेड आई वॉन्ट यू टू टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग व्हिच इज यू नो डिस्टर्बिंग योर माइंड, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट. सो प्लीज राइट इफ यू हैव एनी डाउट. ओके यूतेंद्र, इफ इट्स क्लियर, एनी डाउट बच्चे, एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क, प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. Please feel free to ask if you have any doubt. Okay, so let's move ahead. Everything is perfect. Okay, okay, Shiv. Okay, okay, Yitendar and Neelam. I hope everything is clear to you as well. Okay, so let's move on. Let's move on. Now we are talking about that how electron, proton, and neutron were discovered.
सो बेसिकली हमें पता है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं. एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज प्रोटॉन, और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास न्यूट्रॉन. तो अभी मैं आपको वही बताने वाली हूँ, एंड बिलीव मी यही सेम ये जो पूरा इसका डिस्कवरी है वो आप प्लस वन में भी करोगे अगर आप मेडिकल लोगे तो. सो आज ही मैं आपको उतने लेवल का यहीं पे पढ़ा दूंगी सो दैट आप इस क्वेश्चन में कंप्लीट कर पाओ प्लस वन के स्टूडेंट्स को, ठीक है? ओके. तो डिस्कवरर्स की बात करें अगर, तो जो इलेक्ट्रॉन था पहले, तो डिस्कवरर्स लर्न कर लो और ईयर लर्न कर लो, जरूरी है ये हमें लर्न करना. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, फिर डिटेल में हम करेंगे, बट अभी के लिए एक बार ये लर्न कर लो. तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्पसन. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्पसन. कोई बच्चा मुझे जे जे थॉम्पसन का फुल फॉर्म बता सकता है? कोई बच्चा मुझे जे जे थॉम्पसन का फुल फॉर्म बता सकता है लाइव चैट में? फुल फॉर्म ऑफ जे जे थॉम्पसन, जे जे पूरा नाम बता सकता है थॉम्पसन का? वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी बताओ. एनीबडी आउट ऑफ यू, एनीबडी आउट ऑफ यू, यू कैन आंसर जे जे थॉम्पसन द कंप्लीट नेम, द फुल नेम ऑफ जे जे थॉम्पसन. टेक यू टाइम, आई एम वेटिंग, टेक योर टाइम. जे जे थॉम्पसन का फुल नेम क्या है वो मुझे लाइव चैट में लिखकर बताओ जल्दी से. राइट, एनी आइडिया? डू नॉट सर्च ऑन द क्रोम, राइट, डू नॉट सर्च ऑन नेट एंड राइट. इफ यू नो बी ऑनेस्ट, इफ यू नो देन राइट. Yes, Mannat is right. Yes, it is Joseph John Thomson. So I hope Mannat, ये आपने अपने आप लिखा होगा, नेट पे सर्च नहीं किया होगा. Right, Neelam, right. It was Joseph John Thomson. तो पता है भैया आप लोगों को, तो सिर्फ स्पेलिंग की गलती हो गई नीलम. It is Thomson, S-O-N, not S-A-N. Very well done. Yes, it was J.J. Thomson. और जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन डिस्कवर किया था E. Goldstein ने. So can you tell me his complete name? E. Goldstein का complete name मुझे बता सकते हो? Full name of the one who discovered the proton. It was discovered by E. Goldstein. Right. So the full name of E. Goldstein. E क्या stand करता है? What does E stand for? Take your time and answer me. What does E stands for? No, no, no. It was not Ernest Goldstein. No, Nitender. Wrong answer. It was Eugen Goldstein. Okay. And what about neutron? What about neutron? What about neutron? It was discovered by J. Chadwick. His complete name? Neutron was discovered by J. Chadwick. What does J stands for? J kya tha? J. Kumar? Jitender? Or? Jagveer? Jagbir? What else? Tell me, what was J? Okay, so J was, J is basically James Chadwick. He is James Chadwick. So I hope their complete names are clear. तो एक level हमने यहीं पे step up कर लिया, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ जे जे थॉम्पसन पढ़ के छोड़ देते हैं, जे चैडविक छोड़ देते हैं, या ई गोल्डस्टीन, we should know the complete name, right? तो these are their complete names. I hope it's clear. No, it was James Chadwick. It was James Chadwick.
So is it clear? ओके सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ईयर की अगर बात करें, अगर ईयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन से ईयर में हुआ था? इलेक्ट्रॉन कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था? एनी आइडिया? एनी आइडिया? एनी आइडिया? इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था? When was electron discovered? When was electron discovered? It was discovered in 1887. It was the first subatomic particle which was discovered, and it was discovered in 1887. और जो E गोल्डस्टीन था, सॉरी प्रोटॉन था, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1917. प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1917 एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1932. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1932. मेक श्योर यू रिमेम्बर दीज डेट्स. आई नो वी ऑल आर वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द नेम्स, हाय साक्षी, बट मेक श्योर दैट यू रिमेम्बर दीज इयर्स. ओके, 1887 इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, 1917 प्रोटॉन डिस्कवरी, 1932 डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरीज. सो ही वाज द फर्स्ट वॉलंटियर हु मेड एन अटेम्प्ट. यू कैन सी हिज पिक्चर, आई होप इट्स क्लियर. ही इज द फर्स्ट वॉलंटियर हु एक्चुअली यू नो टेक इनिशिएटिव इन प्रूविंग सो मेनी थिंग्स. अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इन्होंने ही सबसे पहला अटेम्प्ट किया, एंड द मॉडल वाज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल. एंड इवन ही इज द वन हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट वाज इलेक्ट्रॉन. एंड यू नो दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन. ही इज जोसेफ जॉन थॉमसन एंड ही डिड द डिस्कवरी इन 1887. राइट, सो ही इज द वन हु डिस्कवर्ड. नाउ लेट्स सी कि इन्होंने क्या अपरेटस यूज किया था, क्या कुछ ऐसा यूज किया था जिससे ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर पाए थे. और मतलब ये बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था कि भी एटम डिवाइड हो सकता है, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल इन्होंने डिस्कवर किया पहला, जिसको देखते हुए और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ऑब्जर्वेशंस लिए और फिर कंक्लूड किया कि ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद जे जे थॉमसन, विद जे जे थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेट मी टेल यू बच्चे दैट दिस इज द अपरेटस. बेसिकली दिस इज द अपरेटस व्हिच वाज यूज्ड बाय दिस वॉलंटियर, दैट इज जे जे थॉमसन, इन ऑर्डर टू दिस थिंग डिस्कवर इलेक्ट्रॉन. सो लेट मी टेल यू, पहले मैं एक बार आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दूं कि क्या क्या चीज है. तो बेसिकली व्हाट ही डिड, ही टुक दिस ग्लास ट्यूब राइट हियर, ही टुक दिस ग्लास ट्यूब. इस ग्लास ट्यूब को हम क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं. इस ग्लास ट्यूब को हम क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं बिकॉज इट वॉज दिस इट वॉज मेड बाय क्रूक राइट. तो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली द क्रूक्स ट्यूब और दिस ग्लास ट्यूब मीन्स 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब मेड ऑफ ग्लास राइट. दिस वॉज द होल ट्यूब. देन व्हाट इट हैड? इट हैड टू टर्मिनल्स. सी दीज आर मेटल प्लेट्स, दीज आर मेटल प्लेट्स. आई राइट हियर, दीज आर मेटल प्लेट्स. And these plates, by the means of wire, you can see they are connected to the terminals of battery. They are connected to the terminals of battery. So this is battery. So the one side which was connected with positive terminal of battery act as a positive plate, right? And this positive plate was called as anode. It was called as anode. And on the other hand, the end which was connected to the negative terminal was called as cathode. This was cathode. Right? So this plate act as a cathode. Right? Now a small tube is found to attach with this bigger glass tube, and this tube function as a vacuum pump.
It functions as a vacuum pump. Vacuum pump means it can remove the air as much as we want. Or we can say it can help in creating the vacuum inside the glass tube. Or it is used to lower the pressure, whatever you can say. Because once the air is out, that means obviously the pressure will be low inside. So I hope this fully apparatus is clear to you. Any doubt till here? Yeah, I'm telling you how much pressure, the voltage, I'm coming to that point. Is this apparatus clear? Just let me know about this first. Yeah, apparatus sara clear hai aapko jitna maine bataya? Apparatus clear hai? बच्चे क्रूक्स ट्यूब इट वॉज इट दिस ट्यूब वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक सो ही नेम्ड द ट्यूब आफ्टर हिज नेम सो इट वॉज कॉल्ड एज क्रूक्स ट्यूब और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ग्लास ट्यूब आई टोल्ड यू अबाउट बोथ द नेम्स बिकॉज यू मे गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस और यू मे इनकाउंटर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट बुक्स सो यू मे गेट कंफ्यूज सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट डिफिकल्टी आई टोल्ड यू अबाउट बोथ द नेम्स ग्लास ट्यूब ऑल्सो एंड यू कैन कॉल इट एज क्रूक ट्यूब ऑल्सो एंड द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज क्रूक्स ट्यूब Got it? Okay, now let me tell you one thing. अब यहाँ पे ये पूरा apparatus था तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया इस ट्यूब के अंदर क्या ली गैस वॉज टेकन इस ट्यूब के अंदर क्या लिया गया गैस ली गई एनी गैस ठीक है हाइड्रोजन गैस वैसे ली थी कोई भी गैस लेगी सेम एक्सपेरिमेंट वैसे ही होगा तो गैस ली थी और ये जो गैस थी इट वॉज एट नॉर्मल एटमोस्फेयरिक प्रेशर पहले जो ये गैस ली थी वो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ली थी तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया पहली चीज ही टुक द गैस और ये जो गैस थी ये वन एटमोस्फेयर प्रेशर पे थी किस पे थी वन एटमोस्फेयरिक नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो वन एटमोस्फेयर प्रेशर पे थी ठीक है और ये जो बैटरी थी ये बैटरी 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई तो जब यहां पे इस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर फिक्स कर दिया गया और 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई और करंट पास करा गया तो देखा इसके अंदर कुछ भी चेंज हमें नहीं दिखा हमें मतलब जे.जे. थॉमसन को देन व्हाट डिड ही सी देयर No changes are observed. कुछ भी change नहीं दिखा कुछ भी नहीं हुआ Then what he decided to decrease the pressure. Then what he did, he decreased the pressure and made it to 1/100 or you can say 10^-2 atmosphere pressure पे लिया Pressure कैसे कम किया यहां से air remove करके प्रेशर कैसे कम किया यहां से एयर करके राइट ओके आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस पहले पूरा ये सीन सुनो आप ठीक है तो ये प्रेशर और यहां से कम कर दिया गया एयर रिमूव करके तो प्रेशर कितना हो गया 10^-2 एटमोस्फेयर लेकिन काफी ज्यादा वोल्ट की जो सप्लाई थी वो सेम रखी 10,000 वोल्ट की ही सप्लाई रखी तो जब ऐसा किया तो ये पूरी ट्यूब ग्रीन हो गई ये पूरी ट्यूब ग्रीन ग्रीनिश ग्लो दिखा पूरी की पूरी ट्यूब ग्रीन ग्लो करने लगी पूरी ट्यूब ठीक है तो इसका मतलब कुछ चेंजेस दिखे कुछ चेंजेस ट्यूब के अंदर हुए देन व्हाट ही डिड ही डिसाइडेड टू फर्दर लोअर द प्रेशर तो उन्होंने प्रेशर को और लो किया देखने के लिए कि क्या चेंजेस अब होते हैं He made the pressure to decrease it to 10^-4 atmosphere. ठीक है और बैटरी काफी वोल्टेज की थी बैटरी उतनी ही लगी रही 10,000 वोल्ट की है. तो उन्होंने ये देखा कि जब प्रेशर और कम किया तो ये पूरी ट्यूब का जो ग्रीनिश ग्लो था वो क्या हो गया वैनिश जब और प्रेशर कम किया तो ये पूरा जो ग्रीनिश ग्लो था वो वैनिश हो गया ठीक है बट उनको इस साइड पे बट उनको इस साइड पे कुछ ग्रीन ग्लो दिख रहा था थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा ग्लो फिर भी दिख रहा था बहुत ही फेडेड सा ग्रीन
ठीक है, बट ही वॉजंट कन्फर्म्ड. तो उस चीज को कन्फर्म करने के लिए कि क्या ग्लो था, है या नहीं है, सो वॉट ही डेड, ही मेड दिस एनोड परफोरेटेड. शॉर्ट ऑफ स्पेस, आई हैव टू इरेज समथिंग, ये इरेज कर दू. वन सेकेंड, ओके. तो उस ग्लो को कंफर्म करने के लिए कि वो ग्लो था, ही मेड एनोड परफोरेटेड. एनोड परफोरेटेड का मतलब है कि जो एनोड था, एनोड के अंदर, सपोज दिस इज एनोड, एनोड के अंदर होल्स बना दिए गए, एनोड के अंदर क्या क्रिएट कर दिए गए, होल्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज परफोरेटेड एनोड. और इसके पीछे यहां पे एक फ्लोरेसेंट मटीरियल की स्क्रीन लगा दी गई. And this screen was made up of zinc sulfide, fluorescent material. और आपको पता है fluorescent material पे जब भी कोई rays strike करती है, it starts glowing. तो ये सिर्फ किस लिए किया गया, confirm करने के लिए कि वो light greenish glow था कि नहीं था, ठीक है. तो फिर जब वही same conditions लगाई, मतलब 10^-4 atmosphere, फिर प्रेशर और 10,000 वोल्ट की जब बैटरी लगाई, तो देखा कि सच में वो ग्लो था, क्योंकि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन काफी ब्राइट ग्लो करने लगी, ठीक है. फिर उसके बाद वो अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और वो कंक्लूजन ये था कि जब ये स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट की गई, मतलब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, ये जब मतलब कंसिडर, ये जब क्रिएट किया गया, तो कैथोड से कुछ रेज निकली, और वो रेज कहां पास करी, पास कर रही थी, दे वर पासिंग टूवर्ड्स दी एनोड, और इन रेज को क्या कहा गया, दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज, एंड दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज. अब ये जो रेज निकली, ये नेगेटिव टर्मिनल से निकली, सो दैट मींस इट इज फॉर्म्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बुलाया गया, दे वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन. सो दैट मींस कैथोड रे इज फॉर्म्ड ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन. गॉट इट? सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड. अब अपने डाउट्स लेकर आओ, जो जो भी माइंड में है. ओके अश्विनी, No, Yasir, you are confused. So please check it out. If you have any confusion, it's okay. When we want to check about the cathode rays, then only the anode was made perforated. And also you were asking ki high voltage kyu chahiye. High voltage isliye chahiye because this fact was already concluded ki jo gases hoti hai, they conduct electricity only when high voltage is applied. Gases become conducting only if the high voltage is applied. Right? So that is the reason the high voltage was applied. Any doubt till here? Yasir, I think you are, aapko samajh aa gaya why high voltage was applied? Because gases can conduct electricity only and only when the pressure is low and हाई वोल्टेज इज अप्लाइड. सो हाई वोल्टेज काफी ज्यादा थी, बट कितना लो प्रेशर चाहिए वो तब नहीं पता था. दैट इज द रीजन ही हैज टू दिस थिंग मूव दिस प्रेशर, लाइक टेकिंग फ्रॉम द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड लोअरिंग इट सब्सिक्वेंटली. ओके, गॉट इट. ओके, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड. नाउ मूविंग ऑन टू दैट, हाउ द प्रोटॉन was discovered, because the second discovery, yes, listen bache, we are here for class 9. If you want to prove me that cathode rays travel towards anode, we have so many properties to explain it, but I cannot go beyond the syllabus, otherwise I have to take a separate topic of cathode rays. And that is in the plus one, not in the ninth standard. But otherwise, to know about the properties of cathode rays, we can make use of many things. Like a wheel can be placed to know about its nature, electric and magnetic field can be created.
and we can put some object which casts the shadow, and you know shadow is cast always in opposite direction. So in that case, we can know about the cathode ray properties. And if you are a JEE aspirant, I hope you must have done all those things. But this class is for 9th class, so we cannot go that much beyond. So I'm sorry for that. Okay. So he was the one who discovered the proton, and how the proton was discovered. So we are going to learn it now, right now. So जो जे जे थॉम्सन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था, उसके बाद जैसे कोई भी चीज डिस्कवर हो जाती है तो दूसरे साइंटिस्ट भी देखने लगते हैं कि भाई ऐसी चीज हुई, उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको दोबारा से देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, टू वेरीफाई द रिजल्ट्स बेसिकली. तो ऐसे ही ई गोल्डस्टीन भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी चीज को लेकर, और ही फाउंड समथिंग न्यू. तो उन्होंने क्या देखा, सेम अपरेटस यूज किया गया, सेम गैस एट लो प्रेशर, वी हैव अगेन अ क्रूक्स ट्यूब, सब कुछ सेम, 10,000 वोल्ट की बैटरी, सब कुछ. तो उन्होंने देखा कि जब आप 10,000 वोल्ट का बैटरी लगाते हो और 10^-4 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, तो समथिंग यू नो इस कैथोड, यहाँ इस डायग्राम में ये कैथोड है बच्चे, क्योंकि नीचे टर्मिनल्स बदल गए हैं. मेक श्योर कि आप ध्यान रखो इस चीज के लिए और आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो. तो कैथोड से जब पार्टिकल्स आ रहे थे तो यहाँ पे गैस के एटम्स थे, यहाँ पे गैस के एटम्स थे, ठीक है. अब जब ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स आ रहे थे, यहाँ पे कैथोड रे आ रही थी, तो कैथोड रेस जब इस गैस में से पास हुई, उन्होंने गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज कर दिया. उन्होंने गैस के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, आयनाइज, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर ले गए. और जब भी कभी किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, आपको पता है कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है. तो मतलब गैस के जो पार्टिकल्स थे वो आयनाइज हो गए एंड दे फॉर्म दिस पॉजिटिव, यू नो पॉजिटिव पार्टिकल्स बन गए, आयंस बन गए, एंड दे फॉर्म द रे ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स विच स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड. तो इन पार्टिकल्स को क्या बुलाया गया, दे वर कॉल्ड एज केनाल रेस, दे वर नॉट कॉल्ड एज कैथोड रेस बिकॉज they were not originated from cathode, or they are not called as anode rays because they are not originated from anode, right? इनको हमने क्या बोला, canal rays, and they are produced due to the ionization of the gas particles, due to the ionization caused by the cathode rays while traveling, while passing through the gas particles, right? So they form a continuous stream and they started moving towards the cathode. And as they are forming a positive stream, so they consist of particles which are positively charged and they are called as proton. So this is how the proton was discovered. Right? Is it clear? Yes, जो आपके पास जो इसका चार्ज एंड मास होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इंडिपेंडेंट. जो चार्ज और मास होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब. बट जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज एंड मास है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस विच इज टेकन इन द ग्लास ट्यूब, राइट. तो इसमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आती है, हाइड्रोजन की गैस के लिए. इसीलिए जो प्रोटॉन का जो चार्ज एंड मास है, दैट इज टेकन इक्विवेलेंट टू द charge and mass of hydrogen, right? I think it's clear. So this is how the proton was discovered. So proton kaise discovered hua? Ki same apparatus ko jab use kiya, to jab cathode ray pass karti hai, to wo jab pass karti hai beech mein gas ke particles hai, wo unke bhi electrons ko nikal le jati hai. Aur piche bache hue jo gas ke particles hai, wo ions ban jate hai, positive ions, kyunki unme se electron nikal gaye. अब जब वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं. और इनको हम एनोड रेज नहीं कहेंगे क्योंकि एनोड से नहीं निकली है कैथोड की तरफ, ठीक है. तो इनको वो बोलते हैं हम केनाल रेज, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इट वाज कॉल्ड एज प्रोटॉन. एंड द चार्ज एंड द मास ऑफ प्रोटॉन डजंट डिपेंड्स It depends on the nature of the gas taken, but charge and mass of electron doesn't depend upon the nature of gas taken.
Got it? Okay. So now moving on to the third discovery. So third discovery was done by James Chadwick. He is James Chadwick who discovered the third this thing, that is the third particle, which is called as न्यूट्रॉन. सो लेट्स सी कि इन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किस तरीके से किया था. और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी काफी बाद में हुआ था. सो बेसिकली दिस इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट हमारे सब टॉपिक पार्टिकल है. तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? बेसिकली जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए थे तो हमें इसका मतलब ये है जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है दैट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, है ना. एटॉमिक नंबर होता है कि एक एटम में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक मास अगर हमारे पास है ही सिर्फ प्रोटॉन अगर था तो दैट मींस इट शुड आल्सो बी, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए. क्योंकि अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बना है और अगर न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही है तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए. बट किसी भी एटम के लिए हमें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं मिला, इट वॉज अनइक्वल. तो उसके बाद पता लगा कि इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कि चार्ज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रलिटी में कोई शक नहीं था. बट ये मास जो इक्वल नहीं हो रहा था, सो मास हमेशा ज्यादा था इसका. तो उसका कारण ये था कि सेंटर ऑफ एटम मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो चार्ज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते बट मास में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल, they don't contribute towards the charge but contribute towards the mass, and they were called as neutron. They were called as neutron. Got it? So this is how the neutron was discovered. So if we talk about their charge and mass, I think this is clear that how they were discovered. So now if we talk about that, what is the value of the charge and mass? So we see that if we talk about proton, तो जो प्रोटॉन का मास है दैट इज 1.67 इनटू 10 रिच पर -27 केजीस, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड चार्ज इज इक्वल टू 1.602 इनटू 10 रिच टू पर -19 कूलम्स. ओके. एंड न्यूट्रॉन का देख, इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं पहले. इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इनटू 10 रेज टू पावर -31 केजीस एंड चार्ज इज सिमिलर, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है. एंड इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, इट हैज अ मास इक्वल टू 1.67 इनटू 10 रेज पावर -27 बट इट हैज नो चार्ज एज इट इज न्यूट्रॉन. So you have to learn all these values thoroughly, and also you should know that how the electron, proton and neutron, they were discovered. So I hope this is clear till here. Any doubt? Please tell me if you have any doubt or is this clear? Jaldi bata do kyunki hum khatam karne wale hain session ko. Please meko batao. Is everything clear to you all? These all values were in kgs, but it was not in gram. Yes, see, it was in kgs. So I hope it is clear. So let's finish it. Let's finish it. So with this, we have come to an end of this session. I hope you liked it. So if you liked it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya, signing off. We'll be meeting very soon. And we'll be discussing more about this chapter. So till then, take care. Bye-bye.